अस्सलामुअलैकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं सैयद आयशनास। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। उमर अकमल दुल्हनिया ब्याह लाए, शादी में खुशियों के डेरे, दोस्तों के भंगड़े, दुल्हन नूरा मिना क्रिकेट की मद्दाह, उमर अकमल को मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया। अमन मुज़ाकरात को धचका, तालिबान ने जंगबंदी खत्म कर दी। शाहिदुल्ला शाहिद का कहना है कि मुज़ाकरात जारी रहेंगे, कोई मुस्बत इकदाम हुआ तो मुस्बत जवाब देंगे। कौमी सलामती पर सियासी और अस्करी कयादत कल सर जोड़कर बैठेगी। वजीर आजम ने इजलास बुला लिया। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, मुसल्ला फौज के सरबराह और DGISI शरीक होंगे। बुरा वक्त आया तो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को यकीन दिला दिया। तहफुज पाकिस्तान बिल पर ऑपोजिशन के तहफुजात दूर होंगे। खुर्शीद शाह कहते हैं नवाज जरदारी मुलाकात मिसाके जमहूरियत का तसलसल है, सियासतदानों को एक दूसरे से मिलते रहना चाहिए। परवेज रशीद का कहना है कि फौज और हुकूमत के दरमियान किसी किस्म का तनाव नहीं, तमाम इदारे हदूद में रहकर काम कर रहे हैं। कराची में कब्जा माफिया ने खोखरापार थाने के लिए मुख्तस जमीन पर ही कब्जा कर लिया। 3 एकड़ आराजी पर दुकानें और मकान तामीर, पुलिस सोती रह गई। और घर में या बाहर हर वक्त चीजों से छेड़छाड़, नटखट और शरारती बच्चों को लेने के देने पड़ गए।